हाय गाइस, हैप्पी सैटरडे। देसी वाइब्स अब्रॉड में आपका फिर से स्वागत है। ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के रखा था, तो देसी वाइब्स, हम देसी लोग हैं तो अब्रॉड में कैसे रहते वही दिखाते हैं इस व्लॉग में। जो भी नया है इस व्लॉग में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थंबनेल देख के समझ में गया होगा कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हम जा रहे हैं आज एक और स्टेट में, मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स हम लोग US में कवर कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ से सिर्फ 1.5 घंटा ही है। टेक्सास के ऊपर आता है ओक्लाहोमा, और डैलस टेक्सास की नॉर्थ में है, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है ओक्लाहोमा की बॉर्डर। वहाँ पे एक वाटरफॉल है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो जाएंगे कि नहीं वो तो पता नहीं, वो रास्ते में ही आता है, बट एक वाटरफॉल के वहाँ जा रहे हैं जो पड़ता है ओक्लाहोमा में, वो उसकी बॉर्डर है। तो बॉर्डर क्रॉस करेंगे स्टेट की और वहाँ जाएंगे। साथ में अनीश और परिता भी होने वाले हैं, उन्हीं के घर जा रहे हैं अभी। वहाँ से जाएंगे वाटरफॉल, और वाटरफॉल से शायद वापस आएंगे। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कसिनो विन स्टार कसिनो, गूगल कर लो, मुझे भी नहीं पता था। वेगस में नहीं है वो, ना ही यूरोप में है, इट इज़ इन ओक्लाहोमा अमेरिका में। वहाँ पे भी जाएंगे, एक गेड़ी लगाएंगे, देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, और $100 जैसा उड़ा देंगे भाई, क्योंकि कसिनोज में पैसे उड़ते ही हैं। तो बने रहिए, मज़ा आने वाला है आज। पौने 2 घंटे दिखा रहा है। पीछे पत्ते की गेम चल रही है। और हुआ क्या था कि दो तीन दिन पहले मैंने जिम किया था, बाइसेप मारी थी, तो शायद कुछ पुल हो गया था, इतना पेन हो रहा था ना पीछे। तो कल जब मैं इनके घर पे गया तो एक मसाजर इनके पास, वो लगाया, बहुत अच्छे से अच्छा लगा, आराम लगा, लेकिन आज भी थोड़ा पेन है। वो थोड़ा यू नो, जब पेन होता है तो थोड़ा वो मज़ा नहीं आता इतना, लेकिन एक्साइटमेंट है ओक्लाहोमा जाने की। ये पूरा विन स्टार है सर। गाइस, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसीनो विन स्टार। एग्जैक्टली ओक्लाहोमा में वैसे कुछ है नहीं यार, मतलब आपको कुछ इतना ज़्यादा सिटी नहीं, एक टुल्सा है, ओक्लाहोमा सिटी है, बाकी इतना कुछ आईटी हब नहीं है। हवा काफ़ी है और आज अच्छा वेदर है, 28-29 डिग्री है दोपहर का टाइम है। तो टर्नर फॉल्स आए, यहाँ पे एक फॉल्स है, तो बीच में रुके थे, एक व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिप लाइन है, वो देखो जिप लाइन जा रही है। तो अब शिवानी ने कन्विंस कर लिया है मेरे को ये वाला करने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, जिप लाइन, बैठ के जिप लाइन है। और मेन बात है कि उल्टा जाता है, और आने के बाद जो स्पीड है ना वो बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है। तो अब देखते करते हैं यार, अब क्या करें, अभी बोल रही है तो चाहते हैं इसको करना है, मैं इसको अकेले जाने नहीं देना चाहता, तो मैं बोला चलो मैं भी चलता हूँ।
बहुत स्कैरी था भाई, ऊपर जाने के बाद तो इतने इतने लोग दिख रहे थे, छोटे छोटे, पता नहीं क्या क्या करवाती है ये। अरे तमले कुछ ना ले ओ कोई तो स्टेट पार्क है, घोड़ा गाड़ी भी है यहाँ पे। अच्छा छोटा सा वाटरफॉल है और स्टेट पार्क है वो। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो घर में भी फिलहाल जगह तो बहुत अच्छी है, मजा आने वाला है। पानी एकदम साफ है यार, एकदम साफ, ब्यूटीफुल। ये मेरे वीडियो में देखा था, ये कुछ इन लोगों का कोई आई थिंक कुछ घर वर बनाए थे, ये ब्रिटिशर्स ने बनाए थे 1800s में। बोलते हैं 1860s में किसी स्कॉटिश ट्रैवलर था, उसने ये फॉल्स ढूंढा था, उसका लास्ट नेम टर्नर था, इसलिए टर्नर फॉल्स। लिटरली पानी इतना साफ है, नीचे तक आप देख सकते हो कि क्या है, वाव, मतलब इतना साफ पानी है, वाह रे। मजा आ गया यार, खाने पीने के लिए भी अच्छी जगह है, बैठ के आप रेस्ट कर सकते हो, इतनी पब्लिक भी नहीं है, बेस्ट बेस्ट वेदर। कहाँ है मछली भी है, ओ मछली भी है यार, दिखा था उनको, पानी में मछली दिख रही है भाई, इधर भी है। तो अभी अनीश भाई ने महंगे से कैमरे से मेरी एक उससे भी ज्यादा महंगी फोटो खरीद खींची है। ये देखिए हमारे देसी लोग, गुजराती लोग, चटाई बटाई नाश्ता वास्ता सब साथ में लेकर ही आए, पानी सब कुछ है हमारे पास, अच्छी फोटोग्राफी करी है। बहुत अच्छा वेदर है यार, बहुत अच्छा, लिटरली मतलब इतनी अच्छी, ज्यादा शांति और वेदर, और टाइम भी बहुत अच्छा है, सन डाउन होने वाला है अभी हल्का, बहुत सूटिंग लग रहा है। तो अभी एक और कॉल आया है फोटोग्राफी के लिए, आज मैं बिजी रहने वाला हूँ। सबसे ज्यादा जो बिजी नहीं है वो हमारी परिता, आराम का मामला है। ये देखिए आम कर रहे हैं, यही कोई रास्ता है कि जाएगा ऊपर, वो ऊपर एक आई थिंक केव है, कहां से रास्ता। Look,
लोटो आबू बहुत अच्छा यार, ये पानी तो मेरे को इतना साफ लग रहा है। जाऊंगा, जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा, आई डोंट नो। बहुत साफ है यार। ब्यूटीफुल। देखो अभी यहाँ इतनी दूर टर्नर फॉल्स पे आके मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि जो मार्च 24-25 को जो आईपीएल शुरू हो रहा है 24 का, वो आरसीबी जीतने वाली है। चेन्नई वाले, मुंबई वाले बस कर दो, हाथ जोड़ता हूँ मैं, नहीं जीतने वाले अब तुम, रिटायरमेंट ले लो। और विराट कोहली फाफ डुप्लेसी के कैप्टनसी में, और कैमरन ग्रीन आ गया है। कैमरन ग्रीन अभी क्या सेंचुरी मारी है, आरसीबी का नंबर पक्का है इस बार। इस बार लाइन क्रॉस होगी भाई, इस बार होगी लाइन क्रॉस। कुछ तो भी इंग्लिश में लिखा है, पढ़ लेना, क्या है, मैंने पढ़ा नहीं है। चलो चलते हैं, चलो भाई। आई गेस किसी का घर होगा यार, ये कैसल में कोई तो रहता होगा, बिकॉज अब देखो यहाँ पे डोर है। देखो वार्निंग तो दी है कि यहाँ कोई रहता था जो जल के मर चुका था। छोटा सा अच्छा नहीं सीधी हर इसमें ये रखना। ड्राइंग रूम था ये, कासल बहुत पुराना लग रहा है भाई। ऊपर जाने का रास्ता है किसी तरह जाना है। चलो हाँ नहीं, एक बार ऊपर जाके देखते तो क्या है। चलो चलो फटाफट फटाफट, जितना सोचेंगे उतने में तो जाके आएंगे। ये कासल है और वाव, ऐसा कुछ दिख रहा है ऊपर आके गाइस। काफी स्टेयर्स है, थक गया मैं तो। पता नहीं क्या है, कुछ है ही नहीं ऊपर, और फिर जा रहा है। बस तो वापसी इतना ही कुछ था। अगर आपको अच्छा लगा, एफर्ट्स अच्छे लग रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भी मेरे चैनल्स पे वीडियोस है देखो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। किसी दिन ये ज़रूर चलाएंगे।